जय जोहार छत्तीसगढ़ संगवारी आप मन के फिर से स्वागत है एक नया व्लॉग में। तो संगवारी हो अभी 10 बजने वाला है और व्लॉगिंग की शुरुआत करे थे संगवारी हो। और आज बाबू नहीं है तो सुनना सुन लगत है। और बाबू दोस्त कल में पकड़ के बैठे हैं मेरे छोटू गणेशा, ये बाबू दोस्त हरे तो बाबू नहीं है तो मैं पकड़ के बैठे हूँ। सोफा थी इसमें तो पकड़े मस्त लगते एकदम मस्त एकदम अच्छा है। बाबू दोस्त आए हैं एकदम एक खाना वाना खिलत है पानी वानी पिलत है वही कारण से बेचारा सौढ़ाए थे गंदा हो गए हे। तो संगवारी हो जेमन हमारे चैनल में नया हो चैनल में पहली बार हो जेमन हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दे संगवारी हो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक के सबसे पहले पहुँच जाए और हर वीडियो को मजा ले सको संगवारी हो। और मैं हम अभी घर में तो फिलहाल पति देव हो अभी अपन काम में चले जाए थे हम घर एकदम सुनना सुनना हो जाते और कहे खेत वेत वाला काम भी चालू हो जाते ना तो रहा भी नहीं सब घर में गली मोहल्ला में भी चौक चौर हमें सब सुनना सुनना हो जाते। और हवा में लगा दरवाजा एकदम कीड़ा मन है ना हमारे घर में घुस गए और एकदम आवाज कर रहे थे वे चीं 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 करके एकदम चिल्लाते कंझट लगते संगवारी हो कान पक जाते गर्मी के मारे। और अभी सावन लग गए तो इस साल तो डबल सावन ही कहते तो एकदम मस्त लगी अब इस साल तो डबल सावन है मतलब पुण्य के दिन से गिनती कर रहे थे ना सोमवार तो शायद 8 पड़े रहती और इस साल जब मैंने उपवास रही थी मतलब अच्छा है पूरा फूल सामान मिली है मतलब उपवास रही पर से 7 थोड़ा रहना चाहिए 7 थोड़ा ही जे 5 थोड़ा रहना चाहिए 5 थोड़ा ही। तो आप मन खाल उपवास रख सको कमेंट करके जरूर बताओ संगवारी हो हमें तो नहीं रहा। तो चलो बने रहो व्लॉग में कंटिन्यू खबर की पति देव दही गुंडर दही अपन काम से बता दीस ना तो जाइयो है ना। तो फिर मैं टिफिन वगैरह उसका लिए पैक करूँ फिर मिलता हूँ आप मन से। तो मैं आ गई हूँ किचन में और ये धरी रोटी और ये देखो ना टिफिन में डालना संगवारी और सब्जी भी डाल दूँ शायद मैं सब्जी वहीं के पास रखा हूँ चूल्हा के पास तो लाया नहीं हूँ तो फिर ला थी है सब्जी लो वहीं के पास रखा है भूल के नहीं लाया बस शायद तो लाना पड़ेगी। अभी धनिया भी आज भूंज के रखे हूँ ये देख हमारे घर के देसी वाला धनिया इला पीसबो इसे करके भूंज के रखे हूँ इला भी पीसना है काम तो बड़ा करना है लेकिन करे नहीं भाई। तो लेगा तो मैं यहाँ ये सब्जी ला कढ़ाई में छोटे से कढ़ाई में बनाते हूँ ज़्यादा एकदम सारा नहीं बना रहा हूँ तो छोटे से कढ़ाई में बनाऊँ तो लेगा तो मैं यहाँ अभी फिर टिफिन में दाल हूँ सब्जी ला सेमी खुला और ये बनाऊँ चार काबुल थी लाखड़ी दाल तो अच्छा लगता सेमी खुला बीच बीच में खा भी तो चलो संगवारी हो टिफिन पैक कर दो फिर मिलते काबर की एक तो हाथ में तो डालत नहीं बने तो ऐसे सर रोटी ला डाल रही हूँ लेकिन सब्जी डाल हूँ कर बाद फिर मिलता मैं हाँ तो टिफिन पैक हो गए झिल्ली में डाल दे कवर की गिफ्ट है वो वाला है हाँ ना एक तो मतलब एयर टाइट वाला जो गर्म रहते वाला तो वाला एकदम मोटा हो जाते ले गया बर करके नहीं ले गए स्टील वाला लेके के बॉटल वाटल सब तैयार हो गए है दे। और मुला काम है बहुत सारा सिलाई विलाई भी करना है और प्लस धनिया भी पीसना है और मामन उस साइड हमारे भाटा है ना वहाँ थोड़ा से गे भी काम करेगा तो उस साइड भी जाना है लेकिन मुला सिलाई करनी भाई कैसे एकदम कंजटासी लग जाती संगवारी हो ब्लाउज के सिलत ले और सिल बिना तो लगातार कंटिन्यू बैठ के एक ठो कंप्लीट कर बे तब ठीक लगते बार बार उठाई में कंझटा से तो आज कुछ भी हो लेकिन किसी भी हालत से सिलना है ऐसे हवे कब्र के थोड़ा आज गर्मी कम है वे कल रात में पानी गिरी से तो वही कारण से किसी भी हालत से आज ब्लाउज लग सिल हूँ ऐसे करके दिमाग लगाऊँ अभी थोड़ा सा वही साइड जाऊँ मामन का करे तिल देख के हूँ ओकर बाद फिर आके सिलाई करूँ तहन फिर समय हो जाते संगवारी हो एकदम थोड़ा सोए रहते तहन फिर बाबू लाग समय हो जाते चावल बना के फिर वो ऐसे बना तो वो थोड़ा से वाला साथ बातचीत कर और मन बहला तहन वो भी खुश हो जाते हम खाना खाए के समय हो जाते सब को दे के और इस तरह में टाइम पास हो जाते और कहा है अभी पतिदेव भी घर में तो गए नहीं है वे वह अभी नहीं गए रही तब तक कोई भेज नहीं रहा तब तक मतलब मोर काम नहीं है हो जाते तब काम होते सब कोई 9 बजे तक के निकल जाते हैं जैसे खेत वेत खार के दिन में और काम वाम में सब 9 बजे तक निकल रहे थे ना तो 9 बजे तक के मैं भी खा पी के रेडी हो जाता हूँ बाद जस्ट सिलाई करे बैठी जाता हूँ और अभी हाँ भी ना तो ओ फिर ये चीज़ ला ढूंढ वही फिर वो चीज़ ला ढूंढ वही ये कहाँ है वो कहाँ है वही इसमें समय हो जाते तो फिर सिलाई नहीं कर पाऊँ लेकिन अब सोचे कि करूँ इसे करके और थोड़ा देर बाद तो हमें धनिया भी पीसना है बस वही वही काम वहाँ पे घर के तो चलो बने रहो संगवारी हो संगवारी में मैं धनिया पीसा था अभी ये देख तो जा
अब मैं पीसे हूँ, आधा पीस आ गए हैं ये, और अभी बचे हैं बहुत सारा बचे संग भाई हो, तो कर बाद फिर एला पीस हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल भी ना तब पीसे थे, और एक पीस डले हैं एला, एक नंबर खुशबू आते हैं पूरा पिसा के हेले, एकदम ज़्यादा डाल भी ना तो ऊपर ऊपर के बच्चे थे, अंदर अंदर बस के पिसा रहे थे और स्लिप होते, तो वही कारण से आधा आधा करके पिसा था। और अभी गए एक दिन में ठंडक दिन में जब ले रही ना, तो बहुत सारा सूखा सूखा कर रखे रही ना, तो फिर ओला रखे ना तो पिसा था मैं, मस्त लगा था एकदम खुशबू कर रहे थे, दूर से ही खुशबू करा था एकदम अच्छा लगा थे। तो चलो पीस था मीट पाव संगवारी आप मन, तो संगवारी हुए धनिया में पीस डले हूँ, अगला डाल हूँ अब फुर्सत थे संगवारी बहुत दिन तक के काबर की बहुत सारा है यहाँ, तो बिना धनिया के ना पीसी धनिया के सब्जी अच्छा नहीं लगा, मैं पीसी धनिया डालता हूँ हर सब्जी, मतलब मैं पीसी धनिया डालता हूँ, पीसी धनिया भी डालता हूँ, पत्ती वाला धनिया भी डालता हूँ, और अभी पत्ती वाला धनिया अच्छा साथ नहीं है, और 10 रुपये के मिलते तो एकदम थोड़ा 20 रुपये के लेबे तब भी नहीं हुए, और ऊपर से ज़्यादा ले भी देवे ना तो एकदम गल जाते, तो वही कारण से ना ये वाला भी रखना जरूरी है, एक से टेस्ट लगता सब्जी, और मैं ना मैं जीरा और सरसों साथ में भून लूँ ताकि टेस्ट उबर जाए, फिर अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़े, तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगती है करके ना, ये मैं आऊँ डाल देता टेस्ट बढ़ाए बर, फिर साथ में दोनों के साथ ही जाते जीरा सरसों हाँ और धनिया हाँ, तो ये हरे धनिया पाउडर वाले डिब्बा आज ही पूरा लगभग यह शायद आधा किलो खरे का, एक किलो खरे लेकिन ना धनिया पाउडर हल्का होते दबा दबा के डालो ना, तो आज ही वहाँ 1 किलो से कम थी, लेकिन पाउडर की वजह से ज़्यादा लगा थी, अगर मैं लिक्विड वाला चीज़ थी ना और मुरब्बा तो 1 किलो खे है, लेकिन रीस नहीं है थोड़ा सा रीस है 1 किलो लिखा है बस रीस है भी, तो चलो डालता फिर मिलता आप मन से। तो धनिया वनिया पिसा गया, चावल वावल भी बनाठे संगवरी, और 11:45 बजने वाले हैं अभी, तो माँ मन हाँ भाठा गई है, मतलब भाठा मतलब छोटे से वही जगह है ना वहीं, तो थोड़ा सा सब्जी वगैरह डालने पर ऐसा करके गए हैं, अभी वो ही धान फिर हो जाएगी, इतना दिन हो जा रहा तीस, दरअसल और धाया नहीं है ना, तो हम काटा वगैरह डाल के बोना पड़े थे, थोड़ा बहुत बारिश के लिए पानी हो जाते, तो फिर साथ में पानी बारिश के साथ साथ मौसम ऊपर आश्री थे, तो फिर थोड़ा बहुत भाजी वाजी हो जाती इसे करके, तो कल ये गए है बुआई करे बार, तो मैं भी थोड़ा देर बाद जाऊँ ऐसे सोचा था, कबर के भी चावल फंसाऊँ और थोड़ा सो अंदे कर बाद जाऊँ, मैं यहाँ बस बैठ जाता हूँ, मतलब सोफा में या कुर्सी में बैठे नहीं खाए, जमीन जमीन में ज़्यादा बैठता हूँ, और जमीन में चटाई भी नहीं बैठो, इसने खुल्लम बैठो संगवारी हो, तो अब एकदम सुनना सुनना हो गया सब, लेकिन मैंने स्कूल चलती है भी, तो और हम वो मैंने दिन में रहा है तो स्कूल ना संगवारी है, तो दिन याद थे कि एकदम एक्साइटेड रहा है कि कब स्कूल खुली, तो स्कूल जब कि कब जब स्कूल जाए एक दिन में है ना, तो कब छुट्टी रही इसे करके एकदम कैलेंडर ला देखा, नहीं महीने में केठ छुट्टी है, अगर बाद 2 महीने में केठ छुट्टी है, सामने कौन सा त्यौहार है इसे करके, और दिन में सावन सोमवारी वाला उपवास रहना रहना, तो सब कोई मैंने स्कूल जान तो वो साइड से मतलब फूल रहा ना एक मंदिर में कनेर फूल, तो सब एकदम भीड़ लग जाए, एक जो छुट्टी हुए था हाँ सब वहीं भीड़ रहा ना, वो दिन फूल वूल तोड़ वोड़ किला के पूजा वूजा करते हैं, बहुत दिन से उपास रहा रहे संगवरी, वो हाँ तीसरी चौथी पढ़ाते हैं तब से रहा रहे, एकदम अच्छा भी लगे, अभी भी अच्छा लगता पूजा पाठ करना, शुरू से आदत है भी वहाँ पूजा पाठ करे, तो यहाँ भी पूजा पाठ करता ना मन हर त्यौहार में हर रोज से करते ना, लेकिन त्यौहार वगैरह में भी करते हैं संगवारी हो, तो शादी के पहले जो जिंदगी रहते वो एकदम अलग रहते, और शादी के बाद चेंज हो जाते, कबर की शादी के पहले खुला जादी, अब उतना वो ये नहीं रहा, मतलब जिम्मेदारी नहीं बढ़े रहा है ना बोलना चाहिए, तो जिम्मेदारी बढ़ते शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाते, और घर गृहस्थी भी अलग हो जाते, रहन सहन अलग हो जाते, पूरी जिंदगी ही बदल जाती संगवारी, आप मैं समझ सकते हो शादी होगी हुई तो, और समझदारी भी आ जाते हैं अपन आप में कि क्या करना है किसे करना है का डिसीजन लेना है तिला, और तो क्या है शादी के पहले उतना ज़्यादा आदमी ला मतलब हमन ला खासकर लड़की मन ला उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहा है, और शादी के बाद घर ला कैसे संभालना है कैसे रहना है कैसे चलाना है सब चीज़ जिम्मेदारी बढ़ जाती संगवारी हो, तो हम तो अपन घर में अच्छा हम ही अच्छा लगते हैं ना, चार जन हमारे घर में 4 जन हैं ना,
माँ पापा में और पति दे और बाबू है, तो बाबू तो फिर खैर छोटे है बे, और लेकिन चार ही जन रहते हैं, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। घर में तो घर में ही रहते संगवारी हो, घर के ही काम करना है मतलब, और साल में एक आध बार मजबूरी में, इसने मजबूरी ने मतलब ऐसे इमरजेंसी आ गए तो खेत चले जाए, शौक लगे से, लेकिन गए नहीं हो अभी। यही साल पहली बार गए हो काटा दिन में, अभी एक आध घंटा बस काम कर रहे हैं वहाँ आगे, और थोड़ा जलाए के लिए था, और ऐसे खेत पर तो नहीं जा संगवारी है, लेकिन वो दिन नहीं काम भी करना, अभी तो खैर माँ संभाल रहे थे और अपने ऊपर खुद जिम्मेदारी करना भी पड़ी, तो चलो संगवारी हो मैं। हाँ अब थोड़ा सा भाई मामन के पास जात हूँ, तो मोबाइल लेके जाऊँ तो फिर वीडियो में दिखाऊँ आप मल्ला कि काका बुआई चलते, और नहीं लेके जाऊँ। और दरअसल ऐसे है कि मैं गवर्नमेंट के सामने वीडियो बना नहीं सकूँ, अच्छा नहीं लगे, मतलब बना भी डर होना तब ऐसे और करना पड़ता है, गवर्नमेंट के सामने बोलो नहीं तो डर लगते, पापा भी है ना, और माँ रहते तो थोड़ा बहुत इसे बोल बाल लेता हूँ घर के सामने में, लेकिन पापा भी ना तो डर लगते, तो चलो फिर वहीं जाता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आप मन से। संगवारी हो तो मैं बनाता हूँ सैंडविच, तो ये ब्रेड, ब्रेड रखा है दो ठन ब्रेड के बनाना है इसे, और हरी मिर्ची दे, धनिया पत्ती, पत्ता गोभी थोड़ा से, और थोड़ा सा प्याज कबर के बाबू ज़्यादा खाने, और इस साइड में है सॉस, तो चलो सॉस लगाते हैं मैं, फिर उसके बाद बनाता हूँ किसे बनाते फिर दिखाता हूँ आप मतलब। तो संगवारी हो अभी रात को 9:30 बज गए हैं, और खाना पीना खा के आ गए हो, फ्रेश भी हो गए हो, बर्तन वगैरह भी साफ हो गए संगवारी हो, और बीच मुँह धो के आ हूँ तब भी पसीना पसीना हो गया हूँ संगवारी हो गर्मी की वजह से, तो आज सब्जी बना रहे हो आलू बड़ी और मुनगा, तो अच्छा लगी से आज मस्त, बहुत दिन बाद बना हूँ संगवारी हो, और खाना पीना सब कोई खा रही सो कर बाद फिर मैं खाऊँ, फिर बर्तन वगैरह भी साफ करके आऊँ, और बाबू भी सो गए हुए, और थोड़ा देर बाद मैं भी सो, भी समय है मेरा सोए वर 10:30-11 बजे के आसपास सो था ना मना, बाबू बस जल्दी सो जाते, कोई दिन जल्दी सोते कोई दिन लेट से सोते, और उठे टाइम तो एकदम सुबह 5 ही बजे उठ जाते, 5 बजे 4:30 बजे उठ जाते, दोपहर में भी आराम कर रहे थे पर भी इतना टाइम जल्दी सो जाते संगवारी हो। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की रखते हैं संगवारी, आज की वीडियो कैसे लगे सर कमेंट करके जरूर बताओ संगवारी, और फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो के साथ संगवारी हो, तब तक के लिए जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।